ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसराइल के फिलिस्तीन पर हमले को लेकर प्रेस नोट जारी किया। उन्होंने कहा कि हमास का हमला इसराइल अत्याचारों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की परंपरा को नजरअंदाज करते हुए शोषितों के बजाय उत्पीड़कों का समर्थन किया, ये पूरे देश के लिए शर्मनाक और दुखद है। उन्होंने कहा कि वास्तविकता ये है कि हमास इसराइल युद्ध का असली कारण खुद इसराइल है। फिलिस्तीन सिर्फ अपने ऊपर हुए उत्पीड़न का बचाव कर रहा है। साथ ही अपने लेटर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि इसका समाधान तत्काल युद्ध विराम है। प्रेस नोट में आगे मौलाना रहमानी ने मुसलमानों से अपील की है कि वे तुरंत फिलिस्तीनों के लिए दुआ करें और कुनूत नजिला पढ़ें। इस तरह से मुस्लिम लॉ बोर्ड ने काफी ज्यादा हैरानगी जताई जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल का समर्थन किया। बहरहाल आप सभी दोनों के बीच चल रहे इस विवाद में किसके साथ खड़े हैं और कौन आपको निर्दोष लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।